हे गाइस, आपका स्वागत है आज की कुल एक्स्ट्रा की वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड गियर के शैडो ब्लेड कीबोर्ड के बारे में, जो कि एक मैकेनिकल के साथ में गेमिंग कीबोर्ड भी है और जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब जिस प्राइस रेंज में ये आता है ना, अंडर 2000, आपको इससे बेटर और इससे अच्छा, इससे मतलब ज़्यादा क्लिकी साउंड, ये सारी चीज़ें, मतलब इसका एक्सपीरियंस, इसका ये रिस्टलेस, ये वाला रिस्टलेस, ये सारे फीचर्स किसी भी कीबोर्ड में देखने को नहीं मिलेंगे। और मैं आज इसका रिव्यू करने वाला हूँ। इसको लगभग मेरे को यूज़ करते लगभग ऑलमोस्ट 60 डेज हो चुके हैं, लगभग 2 महीने, और 2 महीने के बाद मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको ये वाला कीबोर्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये वर्थ है या नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, चैनल पर भी नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सेकंड बार देख रहे हैं तो शेयर कर दो, फर्स्ट बार देख रहे हैं तो भी शेयर कर दो, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और क्या चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ देख लिया होगा, कंटेंट में बॉक्स में क्या क्या सबको मिलता है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर दूंगा। बेसिकली मैं इस वीडियो में इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ, बेस्ट एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, आखिर ये कैसा है कैसा नहीं है। बेसिकली मैं ना एक लैपटॉप यूज़ करता हूँ और लैपटॉप में ना मतलब चिकलेट कीबोर्ड्स, चिकलेट कीज़ देखने को मिलती हैं और उसमें इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है, वो टप 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 मतलब बेकार सा लगता है। मतलब जब तक मेरे पास ये नहीं था ना, तब तक मेरे को वो लैपटॉप की कीज इतनी बेस्ट लगती थी, मैं यार इससे अच्छी कीज हो ही नहीं सकती। बट जैसे ही मैंने इसको लेने की प्लानिंग की, फिर उसके बाद तो मेरी दुनिया ही बदल गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपीरियंस मिला वो रियल में बहुत अच्छा था। सबसे पहले मैं बता दूं, बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, रिस्टलेस देखने को मिलता है, ये इसका डिटैचेबल है, निकल जाता है, साथ में बॉक्स मिलता है और एक की कैपलर देखने को मिलता है, इनकी कीज़ निकाल सकते हो, वो छोटा सा है, आप इनकी ब्लू कीज़ देखने को मिलती है, ये आप चेक कर सकते हो इधर से, ये देखो इसकी ब्लू कीज़ है और ये इनकी साउंड्स भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। ये सारी चीज़ें इसके साथ में देखने को मिलती हैं और उनको जैसे आपकी कोई की का रंग निकल जाता है या कुछ भी हो जाता है, जैसे कि ये निकल चुका है फिलहाल, इसको डिटैच करना दिखा दूंगा मैं आपको। सबसे पहले इसकी स्पेक्स की बात, ये देखो ये आगे से मेटल है, ये जो आगे से दिखाई दे रहा है आपको, इसका जो फ्रेम है ऊपर से, ये जिसके ऊपर लगी हुई है रेड गियर की ब्रांडिंग वगैरह है, तो ये सारा फ्रेम में देखने को मिलता है और यहाँ पर पीछे से देखने को मिलता है प्लास्टिक में, और इसकी कीज़ भी प्लास्टिक में देखने को मिलती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और सबसे अच्छी बात ये एंटी घोस्टिंग कीज़ के साथ में देखने को मिलता है, मतलब कि एक साथ कितने भी कीज़ दबा लो सारी कीज़ दबेंगी। साथ में सोने पे सुहागा होने के लिए इस कीबोर्ड में दिया गया है ये नोब, जिसमें वॉल्यूम को आप कंट्रोल कर सकते हो। मतलब जब से ही मेरे पास ये आया ना, तब से मैं सिर्फ माउस एंड कीबोर्ड से काम करता हूँ। यकीन मानो मैंने लैपटॉप को ओनली स्क्रीन के लिए यूज़ किया है और रियल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आया मेरे को चलाने में इसको। यहाँ पर कुछ बटन्स वगैरह देखने को मिलते हैं। बेसिकली अगर मैं बात कर लूँ इस केबल की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी सी क्लिक की साउंड आ रही होगी, मैं जानता हूँ, डिस्टर्ब मत होना कि इसी के लिए तो वीडियो देख रहे हैं यार, भाई को भाई के चैनल को इसके लिए लाइक कर दो। ये जो केबल देखने की मिलती है आपको, ये एक ब्रेडेड केबल है, किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो समझ रहे हो, इतने मजबूत केबल है, मारूंगा नहीं, मतलब ये बोल रहा हूँ कि केबल बहुत अच्छी है, आप भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में गोल्ड प्लेटेड USB पोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके USB पोर्ट में जंग वंग ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छा है, प्योर गोल्ड नहीं है, कभी सोचो इसको निकाल के पैसा बेच दें और पैसा ले लें, क्या ही लोगे आप। इसके साथ में एप्लीकेशन देखने को मिलती है, अब मैं आपको एक बार इसके अंदर 21 मोड्स देखने को मिलते हैं हल्के फुल्के, उनका थोड़ा सा रिव्यू दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मोड्स, ये स्टार्ट हो गया सेकंड मोड, ये देखो ये इस लाइन में चलेगा, अगर बात करें थर्ड मोड की, ये देखो ऐसे ऐसे 21 मोड्स देखने को मिलते हैं अलग अलग स्टाइल्स में, और जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इन बटन्स की, तो ये देखो आप इनकी लाइट्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हो,
जैसे कि अब ये इंक्रीज हो चुकी हैं। अगर इनकी लाइट्स को डिक्रीज करना चाहते हो डिक्रीज भी कर सकते हो, इनको फास्ट करना चाहते हो फास्ट भी कर सकते हो, इधर से स्लो कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर मोड्स को चेंज करूँ अभी, ये देखो जैसे कुछ लिखूँगा ये धीरे धीरे हो रहा है। और ये नोब है जो कि आप जिससे वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, गाने को रोक सकते हो, चला सकते हो। अगर आपका सीपीयू लेफ्ट हैंड साइड है तो इसकी वायर को आप इस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से फंसा करके। अगर इस साइड सेंटर में है तो मेरी तरह सेंटर में यूज़ कर लो। इन चीज़ों के साथ में यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन है, जो काम आप मैनुअली कर सकते हो वो काम आप एप्लीकेशन के अंदर भी कर सकते हो। एप्लीकेशन का भी एक छोटा सा रिव्यू है, वो आप कहोगे तो मैं दिखा ही देता हूँ, आप क्या ही कहोगे। अब लाइंस को चेंज करते रख सकते हो, ये देख लो आप, स्पीड इंक्रीज करनी है कम करनी है, जैसे मैं इंक्रीज कम करूँगा ये देखो आप, नीचे भी दिखा देता हूँ आपको दोनों के साथ में, जैसे मैं कम करूँगा ये देखो स्लो हो गई ये स्पीड, अब मैं तेज़ करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ, बिल्कुल बंद हो गई है, धीरे धीरे इसको इंक्रीज करता हूँ, इंक्रीज फुल हो गई है। ये सारी चीज़ें इसके साथ में देख लो, सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स के अंदर भी ये रिस्टोर कर सकते हो इसको आप, जो भी आपने अभी तक किया ये रिस्टोर हो चुका है सब कुछ। गाइस ये कीबोर्ड सच में बता रहा हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी है, मतलब इसको यूज़ करने के बाद मेरे को आज तक ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने इसके अंदर पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो बहुत बेकार है। मैं मोस्टली ये वाला फीचर यूज़ करता हूँ, ये देखो इसको स्पीड को कम भी कर सकते हो, ज़्यादा तेज़ भी कर सकते हो। ये देखो अब आपको दिखाई दे रही होगा क्या हो रहा है कैमरे के अंदर शायद से, अब मैं स्पीड को तेज़ कर देता हूँ तो ये देखो कुछ भी दबाता हूँ तो वो पुश बटन यूज़ होता है। आप कैसे भी नियॉन वेव्स हैं, ये देखो गाइस ऊपर से चेंज कर रहा हूँ मैं सॉफ्टवेयर के अंदर से, इधर से आप कस्टम्स हैं कस्टम्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कस्टम मोड में चले गए, कस्टम मोड में यहाँ पर M1 M2 अपना नाम लिखना पड़ेगा आपको कीज़ का, और उसके अकॉर्डिंग जो भी कीज़ आपने सेलेक्ट की हैं उनके हिसाब से आप अपने कीज़ को सेलेक्ट करके ब्राइटनेस को ज़्यादा कम कर सकते हो। और यहाँ पर मैक्रो के अंदर जा करके अपनी कीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी की यूज़ करनी है आपको, कौन सी नहीं करनी है। अगर आप इस लैपटॉप के अंदर लगा करके यूज़ करते हो और विदाउट चार्जिंग के, तो आपको लैपटॉप की जो बैटरी है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बैटरी है बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब इतना जल्दी भी नहीं मतलब, लेकिन डिस्चार्ज हो जाएगी। हमेशा जब भी इस कीबोर्ड को यूज़ करो आप तो अपनी बैटरी को चार्जिंग में, मतलब लैपटॉप को चार्जिंग में लगा कर ही यूज़ करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी। लाइट्स ऑन है इसके अंदर, और यहाँ पर ये जो इसका ये है रिस्टलेस, ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, गंदा हो चुका है काफ़ी टाइम हो गया। ये देखो इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये देखो, बट ठीक है, ओके। यहाँ पर नीचे इसके सपोर्ट दिया गया है, इसको लगाना बहुत ही आसान है, इसको ऐसे करना है और यहाँ पर डाल करके नीचे की तरफ लॉक लगा देना, ये लो यहाँ पर ये लॉक लग जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है ब्लू शेडो ब्लेड्स के साथ में, 5 वोल्ट 0.27 वोल्टेज इसके अंदर दी गई है, और ये टेस्टेड है 2021 का, बट ठीक है। ये देखो ये जो मैं बता रहा था, ये इसके अंदर पैर भी दिए गए हैं जिनको आप इजीली तरीके से लगा सकते हो, और ये देखो आपका लगाने के बाद ये हैंड, यहाँ पर जो ये हाथ दिखाई दे रहे हैं मेरे, इन हाथों में दर्द नहीं होगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इन पाम्स में कभी दर्द नहीं होगा आपको इसको यूज़ करोगे तो। फुल पैक्ड कीबोर्ड है, और यहाँ पर कैप्स लॉक करिए, सारे बटन्स देखने को मिलते हैं, अपने फंक्शन प्लस प्रिंट स्क्रीन से आप अपने मोड्स को चेंज कर सकते हो, कैसा भी मोड्स लेना चाहते हो वैसा। बेसिकली यही था इस कीबोर्ड के बारे में, जब से मैं इसको यूज़ करता हूँ इतनी क्लिक के साउंड के साथ में इतना प्यारा लगता है, इतना ज़बरदस्त लगता है, रियल में बहुत अच्छा है। अगर आपका बजट 2000 है या फिर 5000 भी है तो मतलब यार ये वाला ले लो यार, काम चल जाएगा आपका। ज़्यादा ही प्रोफेशनल हो तो जाकर के महंगे पे खर्च कर लो, और ज़्यादा पैसे के हिसाब से ज़्यादा बड़ा कीबोर्ड ले लो। बट सबसे अच्छी बात क्या है, इस कीबोर्ड के अंदर सारे बटन्स देखने को मिलते हैं, फुल बटन्स के साथ में देखने को मिलता है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये कीबोर्ड कैसा लगा। मैंने अपना रिव्यू दे दिया, लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए मेरे को इसका यूज़ करते हुए, और रियल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई है, और ज़्यादा कुछ इस बॉक्स के अंदर देखने को मिलता नहीं है, वैसे रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसको जस्ट यूज़ करोगे ना
उसके बाद में आपको पता लगेगा, स्टार्टिंग एक दो दिन ऐसा लगेगा थोड़ा सा अच्छा अच्छा नया नया ऐसा लगेगा, बट जब से मैं इसका हैबिचुअल हुआ हूँ तब से ना मेरे को किसी दूसरे लैपटॉप पे या फिर किसी दूसरे पीसी पे काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि जब भी मन करता है तो इस नोब के ऊपर हाथ जाता है और इस नोब का मज़ा रियल में बहुत अलग है भाई साहब, बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा। एंड ये देखो कितना प्यारा लगता है ये नोब जब इसके अंदर लाइट्स ब्लिंक होती हैं, वो हो क्या प्यारा है। किसी भी लाइट्स को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, इसकी लाइट्स को भी ऑफ कर सकते हो, इसको भी ब्लिंक करवा सकते हो, इसके भी अलग से मोड्स देखने को मिलते हैं आपको। ये काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें हैं इसके साथ में। अगर आप फ्यूचरिस्टिक लेना चाहते हो, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस आपको 5000 में, 5000 से 10000 की प्राइस ब्रैकेट में भी ऐसा फीचर वाला, ऐसे नोब वाला प्रीमियम फील दे दे जो आपको, ऐसा कीबोर्ड नहीं मिलेगा। जाकर के अगर आप कीबोर्ड लेना चाहते हो तो ये वाला ले लो, रेड गियर शैडो प्लेट, रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने उसको यूज़ किया और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप 1200-1300 का बजट कर रहे हो, थोड़ा सा और इम्प्रूव करके यही लेना यार, जो एक्सपीरियंस मिलेगा आप वीडियो के अंदर लास्ट में, अगर आप ले लेते हो एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है तो वीडियो के अंदर आकर जरूर बताना, अगर ये वीडियो देख करके आपने अगर ये कीबोर्ड लिया है तो कैसा लगा। मैं आपको कोई गलत रिव्यू नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं कि हर किसी के पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस अच्छा एक्सपीरियंस के लिए मेरे को अच्छा लगा इसलिए बता रहा हूं। कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर भी ख़राब हैं, जैसे कि ये थोड़ी सी और अच्छा हो सकता था नोब, मुझे इतना ज़्यादा बेटर नहीं लगा। अगर ये भी थोड़ा सा, ये जो इसके नीचे के पैर हैं पैर, ये थोड़े से बड़े होते तो ज़्यादा और अच्छा लगता। ऑलमोस्ट और तो सब ठीक है और सब चीज़ें से मैं काम चला सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। रेस्टलेस की जो क्वालिटी वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट वो और बेटर हो सकती थी, बट ओवरऑल ओके है सारे फीचर्स के साथ में। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।